नमस्कार दोस्तों, टेक नाइन यूट्यूब चैनल में मैं भाई को आप सलम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के शो में हम लोग सीखने वाले हैं टाटा स्काई की सिग्नल सेटिंग आप किस तरह से कर सकते हो। अगर आपके पास टाटा स्काई का सिग्नल में कोई भी दिक्कत आती है तो आपको टाटा स्काई की सेटिंग करने में बहुत परेशानी हो जाती है, तो आज मैं बताऊँगा टाटा स्काई की जो सिग्नल सेटिंग है वो आप सेट टॉप बॉक्स में किस तरह से कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एंटीना की सेटिंग किस तरह से रखनी है ये भी मैं बताऊँगा। तो आपके टाटा स्काई के सेट टॉप बॉक्स में सिग्नल में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपको किस तरह से इसको परेशान को दूर करना है, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको पहले तो जाना है टाटा स्काई में। टाटा स्काई की आपके रिमोट के ऊपर जो सेटिंग का बटन मिलता है इसके ऊपर आपको प्रेस कर देना है, या ऑर्गेनाइजेशन का बटन भी हो सकता है पुराना वाले कि वो ये अपने रिमोट में। तो नए वाले रिमोट में दोस्तों आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, तो इसमें आपको जाना है दोस्तों लास्ट वाले ऑप्शन में सिस्टम सेटिंग्स में। तो इसमें जाने के बाद आपको इस ऑप्शन में दोस्तों जो मेन ऑप्शन रहता है सैटेलाइट सेटिंग का वो आपको इसमें कहीं पर भी शो नहीं करेगा, तो इसको आपको किस तरह से लेके आना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो हाइड रहता है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है, इसलिए वो सेट टॉप बॉक्स की सेटिंग नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसको किस तरह से लाना है, जो हाइड वाला ऑप्शन है उसको। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपके जो आपका जो रिमोट है इसमें आपको 01 सिलेक्ट बटन को प्रेस कर देना है। पहले आपको 0 बटन दबाना है, तुरंत आपको 1 दबाना है और आपको तुरंत सिलेक्ट दबाना है। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ 01 सिलेक्ट। तो आप देख सकते हो मैंने जैसे ही 01 सिलेक्ट बारी बारी में प्रेस किया बटन को, तो यहाँ पे सैटेलाइट सेटिंग का ऑप्शन मुझे लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको इसको ओके कर देना है। इसमें ओके करने के बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो आपको ये सेटिंग रखना है। आपको इनपुट सोर्स यहाँ पे आपको LNB रखना है, LNB टाइप आपको यूनिवर्सल रखना है, उसके साथ आपको यहाँ पे लो बैंड LO फ्रिक्वेंसी और हाई बैंड LO फ्रिक्वेंसी आपको बताए दिए जाएगी। तो इसमें आपको टाटा स्काई की जो लो बैंड LO फ्रिक्वेंसी आपको रखनी है, आपको पहले बॉक्स में 0 रखना है, 9 रखना है, फिर आपको 750, तो इस तरह से रखना है। तो 09750 ये आपको लो बैंड जो लो फ्रिक्वेंसी है वो आपको रखनी है LO फ्रिक्वेंसी। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे हाई बैंड LO फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे आपको हाई बैंड LO फ्रिक्वेंसी में आपको 10600 रखना है, 10600, तो ये सेटिंग आपको इसमें रखनी है। तो इस तरह से आपको लो बैंड और हाई बैंड की सेटिंग करनी है। उसके बाद सिंपली आपको इसको सिलेक्ट बटन दबाना है। तो सिलेक्ट बटन दबाने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन में जाएंगे। तो सिलेक्ट बटन दबा के आपको यहाँ पे जो सैटेलाइट टाटा स्काई का भी फिलहाल जो करंटली अवेलेबल है वो है GSAT-K9 Home। तो इस सैटेलाइट को जो अवेलेबल है इस लिस्ट में आपको ढूंढना है और इसको आपको ओके कर देना है, क्योंकि अभी फिलहाल टाटा स्काई का यही जो सैटेलाइट है वो रखा है टाटा स्काई ने। तो अभी आपकी फैक्ट्री सेट सेटिंग हो जाती है, मतलब कुछ फैक्सिलिटीज आप कर सकते हो या सेटिंग आप डिलीट हो जाती है, तो आपको ये सैटेलाइट सेलेक्ट करना है जो कि है GSAT-K9 Home। तो इसको आपको ओके करना है, मतलब ओके सिलेक्ट बटन दबाना है, तो आप नेक्स्ट स्क्रीन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन में चले जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो सिग्नल कितना है और स्ट्रेन कितना है वो आपको दिखाई देंगी यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो आपकी सिग्नल स्ट्रेन मेरी यहाँ पे करीब 70 के करीब आ रही है और सिग्नल क्वालिटी यहाँ पे 90 की करीब आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सिग्नल की जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कितनी रेंज आ रही है। तो ये रेंज अगर नहीं आती दोनों साइड पे आप देख सकते हो ब्लू मार्क ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, वो अगर आपके 00 बता रहे तो आपको एंटीना में आपकी कोई दिक्कत हो सकती है, या आपकी जो केबल है एंटीना से आई हुई सेट टॉप बॉक्स में लगी है उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, या आपके LNB में दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों आपको टाटा स्काई की एंटीना की सेटिंग किस तरह से करनी है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो ये है टाटा स्काई का एंटीना। तो पहले हम लोग दोस्तों अगर ये एंटीना को सेट करने के बाद आपको पहले ध्यान ये रखना है कि आपका जो स्टैंड है एंटीना का स्टैंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपका एंटीना का स्टैंड लगा हुआ रहता है ये हमेशा दोस्तों 90 डिग्री पे रहना चाहिए। जब ये 90 डिग्री पे रहेगा तो आपका एंटीना सेट करने में आपको मैं जो सेटिंग बता रहा है ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, और आप तुरंत ही अपना टाटा स्काई का एंटीना सेट कर सकते हो, सिग्नल ला सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग पहला देखेंगे दोस्तों इसका LNB पोजिशन कितना रहता है। तो अभी मैं आपको इसको फोकस करके बताता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो टाटा स्काई का जो एंटीना है उसका जो LNB पोजीशन है दोस्तों ये -25 पे रहने वाला है। तो -25 आपको टाटा स्काई का LNB पोजीशन रखना है।
बाकी आप इस तरह से देखेंगे एलएमबी पोर्शन किस तरह से रहता है, तो आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इतना क्रॉस रहने वाला है टाटा स्काई का एंटीना का एलएमबी पोजीशन। उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट है उसका जो स्टैंड का मार्किंग है एंटीना का वो कितना होना चाहिए। तो आपको ये जो एंटीना दोस्तों आप देख सकते हो ये वाला, ये ऊपर नीचे करने का वो सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये जो मार्किंग दी है टाटा स्काई का स्क्रू के ऊपर वो करीब दोस्तों 65 की तरफ है। तो 65 अगर आपका रहेगा ये मार्किंग दोस्तों, जिसे कि मैं आपको फोकस करके बताता हूँ, आप देख सकते हो ये करीब दोस्तों यहाँ पे 65 पे रखा हुआ है। तो आपको 65 पे इस तरह से रहना चाहिए और बाकी का जो एंटीना आपको आप घुमाएंगे इस तरफ उस तरफ वो आप देखेंगे तो अपने हिसाब से आप घुमा सकते हो। आप आजू बाजू में देखिए दोस्तों टाटा स्काई हो, वीडियोकॉन हो, एयरटेल है, उसका पोजिशन किस तरफ है वो आप ध्यान रखिए। लगभग ये वीडियोकॉन या टाटा स्काई का एंटीना आपके नज़दीक रहेगा तो आप वो ध्यान रखिए कि आपका ये जो सेटिंग है बाकी का टाटा स्काई के सेटिंग्स किस तरह से रखे हैं उस तरफ आप करके आप थोड़ा थोड़ा सिग्नल निकाल सकते हो। लेकिन दो सेटिंग इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैंने मार्किंग वाला बताया, ये 65 पे रहना चाहिए और एलएमबी पोजीशन -25 पे रहना चाहिए। तो ये रखेंगे दोस्तों तो आपका टाटा स्काई का एंटीना तुरंत ही सेट हो जाएगा और आपको सिग्नल पा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने ये जो सेटिंग है वो मेरे पास, ये मुंबई का एंटीना है तो मुंबई में इस तरह से सेटिंग रहता है दोस्तों। तो आप भी इस तरह से करके आप देख सकते हो आपका एंटीना पे सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है आपका जो एंटीना का स्टैंड है, ये वाला स्टैंड आप देख सकते हो, ये वाला स्टैंड है ये 90 डिग्री पे होना चाहिए हमेशा, तभी मैंने जो सेटिंग बताया वो आपका काम करेगा। तो लगभग इस तरह से दोस्तों टाटा स्काई का सेटिंग काम कर देता है। तो उम्मीद करूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो आप जरूर लाइक जरूर कीजिए, अपने शेयर कीजिए। अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए।